फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आज बिना गैस चलाए और बिना घी और मावे के सिर्फ 5 मिनट में इंस्टेंट पेड़ा बनाएंगे। ये सिर्फ 2 चीज़ों से बन करके रेडी होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट। मैंने यहाँ पर प्योर मैजिक लिया है। इसको ऐसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें, जार में डाल करके इसका हमें एक फाइन पाउडर रेडी कर लेना है। तो आप अपने बच्चे का कोई भी फेवरेट बिस्किट ले सकते हैं, आप ओरियो बॉर्बन का कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। तो ये देखिए, हमें बस ऐसा ही फाइन पाउडर रेडी कर लेना है। तो इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है कंडेंस मिल्क। तो हमें इसको अच्छे से मिक्स करके एक डो रेडी करना है। ये लगभग 1/4 कप लग जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर ले, हाथों की हेल्प से मिक्स कर ले, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर नेस्ले का मिल्क मेड लिया है। अब अपने हाथों को थोड़ा ग्रीस करके थोड़ा सा मिक्सचर लेकर के हम पेड़ा रेडी करेंगे। तो इसको ऐसे में चिकना बॉल बनाना है और अपने हथेलियों से प्रेस करके, से अंगूठे से प्रेस कर दें। और आप अपने पसंद की कोई भी ड्राई नट्स या फिर टूटी फ्रूटी या चेरी से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो ये खास बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो इस दिवाली आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे इंस्टेंट पेड़े की रेसिपी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो मैंने यहाँ पर इसको काजू से गार्निश किया है। तो ऐसे ही मैंने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं और ये बहुत ही फटाफट बन करके रेडी हो जाते हैं और बच्चों को तो खास पसंद आते हैं। तो इस दिवाली आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे। बिस्किट तो सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं और कंडेंस मिल्क डालने से इसका टेस्ट और भी रिच हो जाता है। ये देखिए, तो आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।